आइए आज हम लोग देव दीपावली की चर्चा करें। अनेक लोगों ने जानना चाहा है कि देव दीपावली क्या होती है, इस दिन किन देवी देवताओं का पूजन होना चाहिए, दीपदान कैसे करना चाहिए, क्या देव दीपावली को अपने पितरों के लिए भी हम कुछ विशेष कर सकते हैं, और देव दीपावली का हमारे सांसारिक लोगों पर क्या प्रभाव होता है, और सांसारिक लोगों को देव दीपावली से क्या लेना देना है। ऐसे अनेक प्रश्न हमारे सामने आज चर्चा में हैं, तो आज हम लोग इन सारे प्रश्नों पर विचार करते हैं। देखिए, देव दीपावली जो उत्सव है, इसके विषय में शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं, वह यह स्पष्ट करते हुए बताया गया है शास्त्रों में कि देव दीपावली के पर्व पर सारी देव शक्तियां पृथ्वी लोक में आती हैं, और स्वर्ग आदि लोकों में भी देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इसके पीछे अनेक कथानक जुड़े हुए हैं। सबसे पहली जो बड़ी कथा है, अधिकांश पुराणों में, स्कंद आदि में यह बताया गया कि त्रिपुरासुर नाम का एक जो असुर था, वह पूरे त्रिलोकी को अपने प्रभाव में लेकर अत्यंत आततायी हो गया था, और उसने वरदान यह प्राप्त कर लिया था कि भगवान शिव के संतान से ही, उनके पुत्र से ही उसका विनाश हो। और आप जानते हैं कि भगवान शिव ने कामदेव का दहन कर दिया, तो वह निश्चिंत हो गया था कि अब शिव की संतान उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब देवताओं ने जब भगवान शिव की स्तुति की, उनकी प्रार्थना की, और त्रिपुरासुर के आतंक थे मुक्ति के लिए, उनसे वरदान चाहा, तो भगवान शिव ने देवताओं की इच्छा के अनुरूप उन्हें वरदान प्रदान किया, और भगवान शिव का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ। और जब भगवान शिव पार्वती जी के साथ में एकांतवास कर रहे थे, उसी समय देवताओं को चिंता हुई कि भगवान शिव को कई मास बीत चुके हैं और त्रिलोकी में त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में देवताओं ने एकमत होकर अग्निदेव से प्रार्थना की, और देवताओं के कष्ट को दूर करने के लिए अग्निदेव ने भगवान शिव के एकांतवास में प्रवेश कर लिया। और जब भगवान शंकर ने जैसे ही उन्हें देखा, और भगवती पार्वती जी ने जैसे ही उनका अवलोकन किया, तो माता जी ने लज्जा से अपने सिर पर वस्त्र ढक लिया, और भगवान शिव जो उस अवस्था में एकांतवास में परम सुख की अवस्था में थे, उसी समय अग्नि का प्रवेश होता देखकर भगवान शिव और भगवती शिवा एक दूसरे से पृथक हुए। लेकिन अग्निदेव ने क्षमा याचना करते हुए देवताओं का कार्य पूर्ण किया जाना है, इस ओर भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त किया। परंतु इसी बीच में भगवान शिव का जो तेज था, वह तेज वहां पर पृथक हो गया। अब अग्निदेव ने विचार किया कि यह तेज नष्ट न हो जाए, और पूरी पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड त्राही त्राही करने लगा हुआ जो भगवान शिव का तेज था, वह तेज कैसे और किसके द्वारा धारण किया जाए, तो देवताओं ऋषियों की योजना के अनुसार कबूतर बनकर उस तेज को अग्निदेव ने अपने गर्भ में धारण किया। परंतु अग्निदेव उस तेज से जलने लगे, और फिर उन्होंने जाकर गंगा जी में उस तेज को विसर्जित कर दिया। अब गंगा जी के अंदर भी वह जो उद्वेलन था, वह तेज, असहनीय तेज था भगवान शिव का, उस तेज को सहन करने की सामर्थ्य तो थी नहीं। गंगा जी ने भी उसे काश के एक वन में उसे विसर्जित किया। अब वह कहीं तेज नष्ट न हो जाए, इस दृष्टि से गंगा जी वहाँ पर उस तेज का ध्यान करते हुए, और उस काश का जो वन जैसा था, उस वनस्थली में गंगा जी अपने प्रवाह को वहीं रोक करके और उस तेज का ध्यान करते हुए स्थित रहीं। उस तेज से 6 छोटे छोटे बालकों का जन्म हुआ। वह जो 6 बालक थे, उनको कैसे पाला जाए, तो ऋषियों ने, जो ऋषि पत्नियां थीं, वह 6 कृत्तिकाओं के रूप में वहां पर उपस्थित हुईं। देवताओं की प्रेरणा से और ऋषियों के आशीर्वाद से ऋषि पत्नियां वहां पर उपस्थित हुईं, और कृत्तिकाओं ने उन्हें पाला। अब वो जो 6 बच्चे हैं, उनको लेकर भगवान शिव के पास कृत्तिकाएं पहुंची हैं, और फिर
वहां जाकर पार्वती जी ने जब यह सुना कि ये मेरे पुत्र हैं, तो पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक उन छह पुत्रों का आलिंगन किया। परिणाम स्वरूप वो सारे छह पुत्र एक हो गए और उनके छह जो हैं शीश हो गए, और यही भगवान कार्तिकेय बने, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन कहा जाता है। तो भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति भी इन छह कृतिकाओं के माध्यम से हुई। तो यह जो कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है, यह विशेष रूप से भगवान कार्तिकेय को समर्पित है। दूसरी बात यह है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का संहार किया, और त्रिपुरासुर का संहार होते ही तीनों लोकों में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा, और फिर त्रिपुरोत्सव जिसे हम लोग कहते हैं, तीनों पुरियों के अंदर उत्सव हुआ और देव दिवाली मनी। देवताओं में और मनुष्य में पूर्णतः साम्य है, क्योंकि हम देवताओं के ही अंश हैं, और अंश अंशी भाव, जैसे सूर्य का अंश दीपक है, ऐसे ही हम भी देवताओं के अंश हैं। और इसलिए इस उत्सव को मनाने की दृष्टि से देव दीपावली के दिन समस्त देव सत्ता हमारे पृथ्वी लोक पर विद्यमान होती है। तो त्रिपुरोत्सव के रूप में देव दिवाली स्वर्ग आदि लोकों में तो मनाई ही जाती है। और एक दूसरी कथा भी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोलोक में भगवती राधा रानी का स्मरण किया और उनका पूजन किया, तथा महान रास का आयोजन हुआ। तो महारास के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। एक संकेत भी इस उत्सव में हमें प्राप्त होता है। देखिए क्या होता है कि यह जो रासोत्सव है, इस रासोत्सव में दो प्रकार की बातें हैं। पहली, अमावस्या के दिन भगवान कृष्ण में पूरा जगत हो जाता है, भगवान कृष्ण में समस्त जगत तल्लीन होकर के उन्हीं में विलीन होता है। और इसलिए यह जो श्यामा दीपावली है, उस दिन भगवान कृष्ण की प्रधानता है, और यह जो त्रिपुरोत्सव की देव दीपावली है, इस दिन भगवती राधा में भगवान कृष्ण सन्निहित होते हैं। अमावस्या की दीपावली में राधा जी भगवान कृष्ण के अंतस में देव रूप में विराजती हैं, और वह जो देव शक्ति है वह दीपक के रूप में स्थित होती है, और यहाँ जो है चंद्रमा के प्रकाश में भगवान कृष्ण विराजमान होते हैं। तो यह राधा स्वरूप है, इसलिए देव दीपावली का बहुत अत्यधिक महत्व है, क्योंकि वृंदावन आदि धामों में देव दीपावली का पर्व बहुत ही प्रमुखता से मनाया जाता है, और उस तरफ दक्षिण भारत में तमिलनाडु आदि में वहाँ भी देव दीपावली पर कार्तिकेय भगवान की विशेष रूप से अभ्यर्थना की जाती है। अब इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए दीपदान इसमें महत्वपूर्ण है, और प्रातःकाल इसमें हमें इस पर्व में दोनों प्रमुख देवताओं, एक दिन पहले हरिहर मिलन हुआ, और उस दिवाली के समय पर क्या था, भगवान विष्णु शयनरत थे, और इस देव प्रबोधिनी के बाद में भगवान विष्णु का जागरण हो गया है, और जागरण होने के पश्चात जो चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी है, उस दिन हरिहर मिलन हुआ और भगवान विष्णु के पास पुनः सत्ता लौटी कि वह जगत के कल्याण के कार्य में तत्पर हो जाएं। तो यह जो चतुर्दशी तिथि के पश्चात की जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा में भगवान शिव का पूजन भी होना चाहिए और भगवान विष्णु का भी पूजन होना चाहिए। शिव और पार्वती का एक साथ पूजन और भगवान नारायण का पूजन लक्ष्मी जी के साथ। अब यहां पर लक्ष्मी के साथ नारायण है, इसलिए देव दीपावली का महत्व बहुत अधिक है। हम लोगों ने इसको बहुत संतुलित करके और हमारे विद्वानों ने इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप में नहीं किया, इस कारण से यह देव दीपावली का पर्व सामने नहीं आ पाया। क्योंकि कारण यह है कि अंधेरे में जो लक्ष्मी आती है, वह लक्ष्मी हमें अधिक प्रिय होती है, जो उलूक वाहिनी, और वह उलूक वाहिनी लक्ष्मी को ही आज के परिवेश में लोग चाहते हैं कि किसी भी तरफ से हमारे पास में धन संग्रह हो। लेकिन दीपावली के देव दीपावली के पूर्व जो दीपावली आ रही है अमावस्या वाली, उसमें भी पूर्व के वीडियो में आपने देखा होगा कि कमलासना लक्ष्मी की पूजा हमको करनी है, और यहाँ नारायण के साथ में लक्ष्मी है, तो नारायण के साथ जब लक्ष्मी होंगी तब वह लक्ष्मी हमारे कल्याण के लिए, हमारे चारित्रिक विकास के लिए, और हमारे मन में
दिव्यता का प्रकाश लिए हुए प्रकट होंगे, इसलिए यह लक्ष्मी महत्वपूर्ण है। हमें जीवन सुखी जीना है और आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, स्वयं का मोक्ष और उसके साथ पूरे जगत का कल्याण, यदि ये भावना हमारे मन में है तो इस भावना को पूर्ण करने के लिए देव दीपावली का पर्व विशेष रूप से महत्व का है। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, इसमें दीपदान में कुछ विशेषताएं हैं। हम दीपदान करते हैं, पहले भी हम लोगों ने देखा कि आकाश दीप इत्यादि जो दीप की संरचना है वह तो हमें करनी ही है, और अपने पूर्वजों के लिए इस दिन विशेष रूप से दीपदान करें। हमारे जो जो पूर्वज हैं उनका स्मरण करें, स्मरण करने के पश्चात रात्रि में उनके लिए दीपदान करें और एक एक पूर्वज का नाम लेकर एक एक दीप अर्पित किया जाए। इसके साथ विशेष प्रकार की रंगोली, जो शुभ रंगोली होती है, शुभता का प्रतीक होती है, उसका मंडप मंडल बना करके अथवा कोई यंत्र आदि की आकृति उस पर हम उकेरें, यंत्र आदि की आकृति बना करके या सामान्य रूप से स्वस्तिक बनाकर 6 दीप पृथक से हमें प्रज्वलित करना चाहिए। यह 6 दीप ऋषि पत्नियां जो कृतिका बनकर के आई थी, जो बालिका बनकर के आई थी और जिन्होंने कार्तिकेय का पालन किया और जिनके नाम से वह कार्तिकेय बने, और षणमुख भगवान कार्तिकेय जिनके 6 मुख हैं, तो भगवान कार्तिकेय के लिए भी यह 6 दीपक और कृतिकाओं के लिए भी यह 6 दीपक प्रतीकात्मक रूप में हमें विधि विधान से रखना है और इन दीपकों की पूजा भी करनी है। वही सामान्य रूप से पूजन में गंध और पुष्प लेकर इन दीपकों का पूजन करें, इन 6 दीपकों का, और इसमें जो लावा आती है दीपावली के दिन, जो धानी का हम लोगों ने भगवान को देवी जी को नैवेद्य अर्पित किया था, उस लावा की कुछ 2-4 दाने हम इन दीपकों के अंदर स्थापित करें। तो यह जो 6 दीपक हैं, यह कृतिकाएं प्रसन्न होकर के हमारी सर्वविध मनोरथों को सिद्ध करने के लिए, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए हम समस्त पृथ्वीवासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महाभारत में एक और प्रसंग आया है कि इस महान भीषण युद्ध में अपने अनेक योद्धाओं को खो चुके महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतातुर हैं, और इस चिंता का उन्होंने किस प्रकार से विमोचन होगा, सारे पूर्वजों को जो अपने इष्ट मित्रों को जो और परिजनों को जो खो चुके हैं उनकी आत्म शांति के लिए क्या किया जाए। तो पूर्णिमा के दिन कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को भगवान नारायण की प्रेरणा से, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से, उन्होंने अपने सारे जो दिवंगत वहां पर पितर थे उनके लिए श्राद्ध किया, विधिवत पिंडदान किया, और प्रातः काल से लेकर सायं तक उन्होंने अपने पितरों के लिए अभ्यर्थना करते हुए रात्रि में दीपदान किया। तो रात्रि में अपने पितरों के लिए दीपदान करना बहुत ही संतुष्टिदायक होता है और उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह जो देव दीपावली है, इस देव दीपावली में समस्त देव शक्तियां हमारे पास ही विराजमान होती हैं। तो इस दिन हमें शुभ्रता धारण करते हुए, सद्विचार धारण करते हुए और नियमों का पालन करते हुए हमारे समस्त नित्य कर्म इत्यादि अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण है देव दीपावली में, वह देव दीपावली का सार कह सकते हैं कि हम इस दीपावली को जगत के कल्याण के लिए दीपदान के माध्यम से अपने भावों को प्रकट करने के लिए तत्पर हों। और जो गुरु नानक देव जी का जो प्राकट्य है, जिसे प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है, यह प्रकाश पर्व भी देव दीपावली से संयुक्त है। तो देव दीपावली या देव दीपावली और प्रकाश पर्व, यह एक ही धारा है। इसलिए देव दीपावली को हम पूर्ण प्रसन्नता के साथ मनाएं, देवताओं की सन्निधि में मनाएं, लक्ष्मी के साथ नारायण का पूजन करें, पार्वती के साथ भगवान शिव का पूजन करें, अपने पितरों के लिए दीपदान करें और कृतिकाओं के लिए
दीप समर्पित करते हुए और यदि संभव हो सके तो इस दिन रात्रि में जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज पर होते हैं उस समय पितरों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी सद्गति की प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान श्रीमन नारायण के श्री चरणों में अक्षय स्थान प्राप्त कराने की प्रार्थना कर सकते हैं और उनके लिए दीपदान तो कर ही रहे हैं, रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। और रात्रि में इस दिन के जागरण का विशेष महत्व है। एक यह भी स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मत्स्य पुराण इन ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि यदि देव दीपावली के दिन गंगा आदि नदियों में, पुण्य नदियों में स्नान करके दीप प्रवाहित किया जाए उनकी लहरों में, तो यह अक्षय पुण्य का काम होता है, क्योंकि देवलोक की समस्त शक्तियां इन नदियों, तीर्थों इत्यादि में भी वहां उपस्थित होती हैं और तीर्थ जल में, नदी के प्रवाह में दीप दान करने से वह अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सभी को वरदान प्रदान करती हैं, अभीष्ट वरदान प्रदान करती हैं। तो आइए हम सब मिलकर के बड़े उत्साह के साथ देव दीपावली पर्व मनाएं। आप सभी का मंगल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माई की।